Hello everyone, welcome to Durgesh Classes. How are you dear student? I hope you guys very well. आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं. चलिए आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 2.3 का एक क्वेश्चन बचा हुआ है और क्वेश्चन फोर एंड क्वेश्चन फाइव उसको हमने सेपरेट क्यों रखा, बिकॉज दैट कंसेप्ट हैज गुड एबिलिटी टू गेटिंग मार्क्स. जैसे मैं बोलता हूं ना कि इस कंसेप्ट के अंदर क्षमता है मार्क्स लेने की, तो वो कंसेप्ट यहां है. देखो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सर px इक्वल टू gx इंटू में qx प्लस में rx, और मैं आपको क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन दिखा दूंगा. ठीक है, सेम कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन. सर आप कहते हो कि कंसेप्ट है, ठीक है. आपने बोला सर 9 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस में 1. बात समझ आ रही है, बेसिक काम बता रहा हूं बिल्कुल. मैंने यहां से गैप कर दिया 2 और मैंने बोल दिया यहां पर क्या लिखना है, जी एक्स. आइए बात समझ में, ठीक है. मैंने बोला सर यू शुड फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एक्स. अब मुझे अगर जी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी चाहिए तो मुझे क्या करना है. सर ये प्लस 1 को इधर भेज दो, 9 माइनस 1 इक्वल टू जी इंटू में एक्स. अब नजर आ रहा है, और इंटू में 4. बहुत बढ़िया, 9 में से 1 गए, 8 इक्वल टू जी एक्स और इंटू में 4. बेटा 4 चला जाएगा बेटा 8 के डिवाइड में, और यहां पर आ गया जी एक्स. 4 1 जा 4 4 2 जा 8, जी एक्स की वैल्यू बेटा बताओ कितनी आ गई, 2. बात समझ आ रही है, कंसेप्ट समझ आ रहा है. तो ये तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है. आपको ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, आपसे ये भी पूछ सकता है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ सकता है कि नहीं. बात समझ आ रही है. अब अपना क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पे देखो अपना क्वेश्चन. आपका क्वेश्चन स्क्रीन में क्या कह रहा है, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर आगे बेटा प्लस एक्स प्लस 2 बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड यू रिसीव्ड व्हाट, जल्दी से qx एंड rx. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ gx. क्वेश्चन सेम है ना, उसी डिपेंड करता है उसी कंसेप्ट पे. तो मुझे खाली क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है. तो मेरे को पता चला सर आपके पास एक पॉलिनोमियल है x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस में 2. आपने इस पॉलिनोमियल को gx से डिवाइड किया, आपने इस पॉलिनोमियल को gx से क्या कह रहा बेटा डिवाइड किया, और आपके पास जो qx की वैल्यू है वो आई है आपके पास x माइनस में 2, और जो rx की वैल्यू आई है वो आई है माइनस 2 x प्लस में 4. आ रही है बात समझ में, नजर आ रहा है. करे क्वेश्चन इसको बहुत अच्छे तरीके से. देखो बेटा अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि सर ठीक है एग्री आपकी बात से, अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम. ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एज इट इज पेपर में आया हुआ, ध्यान रखना बेटा. px ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज पेपर में आया हुआ है. px इक्वल टू gx इनटू में qx प्लस में rx, बहुत बढ़िया. नाउ आपके पास पॉलिनोमियल px की वैल्यू ये रही, x की क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2. अब आगे देखिए, चलिए अपनी वैल्यू देख ली. जीएक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, हमारे पास नहीं है, क्वेश्चन कहता है निकालनी है. क्यों इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर एक्स माइनस में 2 गिवन है. आरएक्स की वैल्यू बेटा ये रही माइनस 2x प्लस में 4 आ गया, ठीक है. सर एक्स की क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस x प्लस में 2. अब मुझे खुद बताओ बेटा माइनस 2x है, अगर वो इसके पास आएगा तो प्लस का 2x हो गया, प्लस 4 है इसके पास आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा. आपके आरएचएस साइड में क्या बच गया सर, जी एक्स इंटू में एक्स माइनस में 2. बहुत इजी कंसेप्ट. नाउ यू हैव टू फाइंड लाइक टर्म एक्स की क्यूब. इज देयर एनी लाइक टर्म ऑफ एक्स की क्यूब, सर नो, एक्स की क्यूब. एंड नाउ इज देयर एनी लाइक टर्म ऑफ 3x स्क्वायर, नो. एंड फाइनली वी गॉट द लाइक टर्म 2x एंड x, दैट मीन्स 3x प्लस 2 माइनस 4 दैट मीन्स माइनस 2 जी एक्स इंटू में एक्स माइनस में 2. कंसेप्ट समझना, ठीक है. क्वेश्चन बहुत है, कंसेप्ट सीखो, ठीक है. एक्स की क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2. बेटा आप मुझे खुद बता दो, वो जो डिजिट नजर आ रही है आपको, आपको जो डिजिट नजर आ रही है x माइनस 2 मल्टीप्लाई में, अगर इधर आएगी तो आप बोलोगे सर डिवाइड में, और उधर हो गया आपका जी एक्स. बात समझ आ रही है. अब नाउ
इस पॉलिनोमियल को इस पॉली से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा। देखो बोर्ड पे मैं कराता हूं। देखिए इस पॉली को इस पॉली से अगर डिवाइड करना है तो पॉली लिख दीजिए एक्स के क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स माइनस का टू। इस पॉली से हमें क्या करना है बेटा, डिवाइड कर देना है एक्स माइनस टू से। देखो बेटा एक्स स्क्वायर एक्स की क्यूब आ गया माइनस का टू एक्स स्क्वायर आ गया, आ रहा है ना समझ में, माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस और यहां पर प्लस, ये आपका ओवर हो गया। माइनस प्लस माइनस, माइनस थ्री में से जब प्लस टू जाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स माइनस का टू। एक्स के टेबल में एक्स स्क्वायर सर माइनस एक्स पे, बहुत बढ़िया, माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का क्या आ गया बेटा टू एक्स आ गया, यहाँ पर क्या आ गया प्लस, यहाँ क्या आ गया बेटा माइनस, ओवर थ्री में से टू गए एक्स माइनस में टू। बेटा आप बताओ इसके टेबल में किस पे आएगा, तो प्लस वन पे आएगा, एक्स माइनस में टू हो गया। फाइनली वी गॉट द वैल्यू ऑफ जी एक्स, ये रही आपकी वैल्यू जी एक्स की, क्यों, क्योंकि यही तो डिवाइड करने के लिए आपको कंडीशन बनाई थी कि नहीं बनाई थी, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। अब मैं इसकी वेरिफिकेशन भी करा देता हूं। आप बोलोगे सर वेरिफिकेशन भी कराओ तो पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू में क्यू एक्स और प्लस में आर एक्स। एक बात समझना खाली, आप पॉलिनोमियल जो पड़ा हुआ है आपके पास क्या पड़ा है, ये रहा भाई एक्स की क्यूब माइनस में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स माइनस का टू। जी एक्स की वैल्यू आपके पास ये निकल गई एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस में वन। क्यू एक्स की वैल्यू आपके पास क्या पड़ी है आपको पता है, क्यू एक्स की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन थी, वेरी गुड, एक्स माइनस में टू गिवन थी। आपके पास आर एक्स की वैल्यू क्या गिवन थी, तो आप बोलोगे सर आर एक्स की वैल्यू जो गिवन थी वो गिवन थी माइनस का टू एक्स, क्वेश्चन देखते रहो, माइनस का टू एक्स प्लस में फोर लिखा है प्लस में, ये कंडीशन है। क्या मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा, तो आप मुझे खुद बताओ सर आपने क्या कहा क्या आएगा, तो सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। आप सॉल्व करो एक्स की क्यूब बहुत बढ़िया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई माइनस टू एक्स स्क्वायर, नजर आ रहा है ना, इस सब तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है, और माइनस का मतलब प्लस का टू एक्स आ गया, देन उसके बाद माइनस का टू आ गया, फिर माइनस का टू एक्स प्लस का फोर आ गया, ठीक है बेटा। चलो एक्स की क्यूब माइनस लाइक टर्म है इसका सर ये रहा माइनस माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया, क्या एक्स का कोई लाइक टर्म है सर ये रहा ये रहा ये रहा, टू में से टू गए जीरो, बचा क्या सिर्फ एक्स भाई, माइनस का टू प्लस का फोर, आंसर क्या आ गया टू, और यही हमारे पॉलिनोमियल का क्वेश्चन था। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो पॉली निकल के आया ये इससे वेरीफाई क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें तो आपने माइनस का जो थ्री टू एक्स था वो एड किया था और बताओ फोर को आपने लेस किया था, तो आपका ये पॉली क्वेश्चन में तो यही गिवन था, यही पॉलिनोमियल गिवन था ना, कंफ्यूज मत हो जाना सर ये तो मैच नहीं किया, अरे सर ये मैच करेगा ना, इस पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स माइनस में टू, इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस टू एक्स आपने क्या किया था एड, इसमें माइनस कर दो, प्लस फोर क्या किया था माइनस किया था, इसमें प्लस फोर कर दो। अब देख लो एक्स की क्यूब माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, अब यहां देखो थ्री में से टू गए प्लस का एक्स माइनस टू प्लस फोर दैट मीन्स प्लस का टू, क्या ये पॉली सेम नहीं आ गए, दैट मीन्स कंडीशन यहाँ खत्म होती है। और अपना अगला एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो, आपसे कोई पूछे तो बता सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन भी बोर्ड पर देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स एंड जस्टिफाई द डिविजन एल्गोरिथम एंड, दैट मीन्स सर आपको ना पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स के कुछ उदाहरण देने हैं, और ऐसे उदाहरण हैं जो डिविजन एल्गोरिथम को क्या करें, जस्टिफाई भी करें और कंडीशन भी दें। कंडीशन क्या है, जैसे पहले ही आपको बोल रहा बेटा लिखा हुआ है डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। देखो आगे ना कंडीशन, अगर वो आपसे कंडीशन ही पूछ रहा है तो मुझे खाली इतना बता दो मैंने डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल में आपको क्या सिखाया था, क्या सिखाया था, इफ पी एक्स एंड क्यू एक्स आर टू पॉलिनोमियल देन वी कैन
फाइंड क्यू एक्स एंड आर एक्स वेयर जी एक्स नॉट इक्वल टू, बोर्ड पे दिखते रहने वाला, नॉट इक्वल टू जीरो एंड आर एक्स इक्वल टू जीरो और डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन जी एक्स। बात समझ आ रही है? ये आपकी क्या थी? यही तो आपकी एल्गोरिथम थी, यस और नो? अब आपकी कंडीशन है कि सर इस कंडीशन का कोई भी ऐसा एग्जांपल लेना है, तो आप ऐसे कोई सी भी कंडीशन का एग्जांपल ले लो। मैंने आपको किया सर लेट हो गया आपके पास, लेट द पॉली, लेट द पॉलिनोमियल, लेट द पॉलिनोमियल, मैंने पॉलिनोमियल लेट कर लिया सर, टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, मैंने एग्जांपल ले लिया, ठीक है? अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप अदर भी ले सकते हैं, आपने मैंने बोला x स्क्वायर प्लस में 1 ले लीजिए, कोई दिक्कत आपको, कंफ्यूजन तो नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? आपको मैंने एग्जांपल ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1, और मैंने बोल दिया सर लेट कर लिया, मैंने जी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपको 2। आपको यहां पर एक कंडीशन बनानी है। अब मैं ना इसको डिवाइड करके सिखाता हूं आपको, मैं डिवाइड करना बताता हूं, जैसे हम लोगों ने अभी डिवाइड करना सीखा ही था, 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 आ रहा है बोर्ड पे नजर, गुड। मुझे 2 से इसे डिवाइड करना है। आपको पता है 2 के टेबल में 2x स्क्वायर लाना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर? 2x स्क्वायर से। आपका यहां पर आ गया माइनस, दैट मींस ओवर हो गया, यहां पर लिख दीजिए इसको 2x। 2 के टेबल में अगर 2x लाना है, आपको 2x लाना है तो आपको 2 से x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओवर हो गया, आपका 1 आ गया यहां पर। बोर्ड पे नजर आ रहा है आपको, गुड। अब क्वेश्चन ने कहा कि सर इसकी डिग्री देखो आप, जी एक्स की आपके पास 2 है, और जो पी एक्स की डिग्री है वो क्या है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, और आपके पास क्यू एक्स की डिग्री कितनी आई है मैक्सिमम x स्क्वायर प्लस में x। आप खाली मुझे इतना बता दो, आपको डिग्री पहचानना सिखाया था सर, मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो मुझे बताओ जी एक्स की मैक्सिमम डिग्री कितनी है सर? यहां तो वो जीरो हो गया, क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसके पास तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसकी डिग्री जीरो हो गई। अब पी एक्स की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2 है। क्यू एक्स की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2 है। आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं पी एक्स और क्यू एक्स की, यस और नो? तो आप एक नोट डाल के लिख लेना, इफ You want to degree px equal to degree qx, then the divisor will be constant term. अगर आप इस जस्टिफाई करना चाहते हैं, इस स्टेटमेंट को अगर जस्टिफाई करना चाहते हैं, तो आपका जो डिवाइजर होगा वो हमेशा क्या होगा? कॉन्स्टेंट टर्म होगा। नोट डाल के लिख लेना, ठीक है? नोट डाल के, और फिर मैं इसको ना जस्टिफाई भी कर देता हूं। जस्टिफाई कैसे करेंगे? अपनी एल्गोरिथम पे, याद है ना? बस अब यहां बोर्ड पर देखो, मैं आपको जस्टिफाई करके भी दिखा देता हूं। आपका अप्लाई करने जा रहा हूं मैं पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू में क्यू एक्स प्लस में आर एक्स, वेरी गुड। पी एक्स की वैल्यू बेटे आपने क्या लेट की थी? ये रही आपका पी एस, वेरी गुड। टू एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स प्लस में 1। आपका जी एक्स क्या था? 2। आपका क्यू एक्स क्या आया बेटा? क्यू एक्स फटाफट चेक कर लो, क्यू एक्स क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, और आपका आर एक्स कितना आ गया था? 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो बेटा 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, और यहां पर मेरी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, ठीक है? तो हमें इससे क्या कंफर्म मिला कि इफ यू वांट डिग्री ऑफ px इक्वल टू qx, दैट मींस यू विल टेक डिवाइजर कांस्टेंट टर्म, यू हैव टू टेक डिवाइजर कांस्टेंट टर्म। बात क्लियर होगी? अगला क्वेश्चन, अपना अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है डिग्री qx इक्वल टू डिग्री rx। आपको बोर्ड पे दिखना है कि बेटा इसकी जो डिग्री होगी इसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है? तो मुझे आप इतना बता दो कि सर क्यू क्या होता है? क्वेश्चेंट। आर क्या होता है? रिमाइंडर। लेट कर लो, लेट अस एज्यूम पॉलिनोमियल इक्वल टू एक्स के क्यूब प्लस में एक्स। मैंने आपको तो बोला ना पॉलिनोमियल को क्या कर लिया बेटा? लेट कर लिया, ठीक है? अब मुझे बताओ, मैंने डिवाइजर को भी लेट कर लिया, डिवाइजर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करके चेक करेंगे, एक्स की क्यूब प्लस में एक्स, यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर। सॉल्व करने जा रहे हैं जी, एक्स
एक्स के स्क्वायर को जब एक्स की पावर वन से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स की क्यूब। ठीक है, अब मेरे को बताओ यहां पर माइनस आ गया, देन ये ओवर हो गया, अब यहां पर ये आ गया। अब मुझे खाली इतना बता दो बेटा, इसकी आर एक्स जो है, यहां पर बोर्ड पे देखो बेटा, आर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की पावर वन। क्या जो रिमाइंडर की डिग्री है वो डिवाइजर से कम है, बिल्कुल कम है, तो ये अपने आप में रिमाइंडर बन गया। हमें स्टेटमेंट क्या जस्टिफाई करनी थी, क्या हमारी डिग्री ऑफ क्यू एक्स बराबर है डिग्री ऑफ आर एक्स, तो डिग्री ऑफ क्यू एक्स कितनी है बेटा, डिग्री ऑफ, बोर्ड पे देखना, डिग्री ऑफ क्यू एक्स जो इक्वल होनी चाहिए डिग्री ऑफ आर एक्स के। तो बताओ मुझे डिग्री ऑफ क्यू एक्स सर, एक्स की पावर वन, और डिग्री ऑफ आर एक्स, एक्स की पावर वन, एब्सोल्युटली इक्वल, यस और नो, ये स्टेटमेंट हो चुकी है। अब हम लोग जस्टिफाई कर लेते हैं डिविजन एल्गोरिथम में। डिवीजन एल्गोरिथम कहता है पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू में क्यू एक्स और प्लस में बेटा आर एक्स। बोर्ड पे देखो पी एक्स की वैल्यू आपने क्या लेट की थी, एक्स की क्यूब प्लस में एक्स, वेरी गुड। जी एक्स की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर है, क्यू एक्स की वैल्यू आपके पास एक्स की पावर वन है, और रिमाइंडर आपका एक्स है। तो आप देखो इधर इसको मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यूब प्लस में एक्स, क्या ये पॉली के इक्वल है, यस। नाउ वी गॉट द रिलेशनशिप, वी गॉट द जस्टिफिकेशन, यस और नो, तो हमारी एल्गोरिथम क्या हो गई, जस्टिफाई हो गई। अगला क्वेश्चन भी बोर्ड पर देख लीजिए, अगला आपसे क्या कहता है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, गलती कहीं नहीं होनी चाहिए, अच्छे से नोट बना लेना आप लोग। फिर आपका जो थर्ड पॉइंट कहता है कि सर डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू जीरो, सर आपको लेट करना पड़ेगा, लेट एस एज्यूम माना बहुपद, लेट एस एज्यूम पॉलिनोमियल विल बी एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब, बोर्ड पे देखना एक्स की क्यूब प्लस में एक्स आ रहा है बोर्ड पे नजर। आपसे मैंने बोला कि सर ऐसा करिए आप जीएक्स को भी लेट कर लो, जीएक्स की वैल्यू जो डिवाइजर है हमारा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिवाइजर जो है इक्वल टू, मैंने लेट कर लिया एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दैट मीन्स मुझे क्वेश्चन डिवाइड करना है एक्स की क्यूब प्लस में एक्स, और मुझे किससे डिवाइड करना है बेटा, एक्स से डिवाइड करना है, चलो एक्स स्क्वायर। अब मुझे यहां पर एक्स क्यूब आ गया, ये ओवर हो गया, यहां पर आ गया बेटा ये एक्स, एक्स के टेबल में, बहुत बढ़िया, वन पर। तो आप मुझे खुद बताओ हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई हुई। क्या मेरी डिग्री ऑफ आर एक्स जीरो है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जस्टिफिकेशन कर देते हैं, सर पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू में क्यू एक्स प्लस में आर एक्स, ठीक है। पी एक्स की वैल्यू आपने क्या लेट कर रखा था, एक्स की क्यूब प्लस में एक्स, जी एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, एक्स है, क्यू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस में वन, रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो। इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई एक्स की क्यूब प्लस में एक्स प्लस में जीरो, आपका आंसर आ गया एक्स की क्यूब प्लस में एक्स, क्या ये पॉली के इक्वल आ रहा है, यस। फाइनली वी गॉट द जस्टिफिकेशन, बात समझ आ रही है, मजा आ गया करने में, ये आपका क्वेश्चन हुआ। और आज से हमारी एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब आपको अगली एक्सरसाइज में एडिशनल क्वेश्चन मिलेंगे, और दैट इज नोन एज ऑप्शनल एक्सरसाइज, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।